क्लास 10th में स्टैटिस्टिक का चैप्टर है एक्सरसाइज 15.1। इसमें आप कोई भी क्वेश्चन देख लो, मैं एक एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगी आपको बेटा, बस ये एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगी इससे आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो। इसको आप बहुत ध्यान से देख लो। इसमें आपको इन क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन में मीन निकालना है, यानी इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मीन कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पर ऐसे करके डेटा दिया है, तो जो ये डेटा दिया होता है इसको हम ग्रुप्ड डेटा कहते हैं। कौन सा डेटा कहते हैं? ग्रुप्ड डेटा। और जो नीचे दिया रहेगा उसको हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे 2 से 4 के बीच में जितनी भी डेटा हैं वो 2-2 बार रिपीट हुए हैं, वो 2 बार रिपीट हुए हैं। 4 से 6 के बीच में जितना डेटा है वो 1 बार रिपीट हुआ है। 6 से 8 के बीच में जितना डेटा है वो 5 बार रिपीट हुआ है। अब हमको मीन निकालना है। तो बेटा यहाँ जैसे ये 0, मान लो जैसे ये 2 लिखा है, 0 छोड़ दो, 2 और 4 लिखा है मान लो सेकंड वाले में। ये जो 2 होता है इसको लिखते हैं लोअर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और ये जो 4 होता है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। तो हमको इनकी मिड वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। मिड वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं और इसको यहाँ पर x के नीचे लिख लेते हैं। 0 से 2 आ जाएगा, तो 2/2 1 आ गया, ठीक है। 2 और 4 6 हो गया, 6/2 3 हो गया, 4 6 10 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13, ठीक है। अब इसके बाद बेटी ये जो f है ये x है, इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं इनटू, याद रखना प्लस नहीं करते। 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 6 9 ज़ा 54, 11 2 ज़ा 22, 13 3 ज़ा 39। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, f इंटू एक्स। अब ये जो मिड पॉइंट निकाला है वो नहीं, जो फ्रीक्वेंसी है इसको प्लस करते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये जो मल्टीप्लाई करके आता है इसको प्लस करते हैं। उसके बाद हमको जब मीन निकालना होता है, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ, मतलब ये वाला जो आंसर आता है ये ऊपर रखोगे, जो फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा उसको नीचे रखोगे और डिवाइड कर लो, वही आपका मीन होता है।